हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल चैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए जो मैं अभी रीडिंग करने वाली हूँ, टॉपिक है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, आने वाले टाइम में आपके पार्टनर इस कनेक्शन के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये मैं इस रीडिंग में पता करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग बिना देर करे और जानते हैं क्या आता है आपके लिए, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर। अभी चाहे सिचुएशन जो भी है गाइज, आप बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा हो गया है, कुछ भी अगर बातचीत बंद है या कर रहे हो थोड़ी बहुत भी, तो ये रीडिंग सभी के लिए है। ठीक है, और हम जानेंगे कि पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। अब देखेंगे कि किस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस रीडिंग है ये। तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आराम से देखिए, हो सकता है कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए आपकी। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि अभी आप सेपरेशन में हैं या फिर सिचुएशन अभी आपके अकॉर्डिंग है नहीं आपकी लव लाइफ में। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में थोड़ा डिटेल देना चाहूँगी, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, सो दैट आप पता लगा पाएंगे कि ये आपकी स्टोरी है या नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे आप एक तूफान में अकेले हो, कोई आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं है, कोई आपके दिल का हालचाल पूछने के लिए नहीं है, इवन आपको सब ट्रिगर ही कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ देख रही हूँ। एंड यू आर वेटिंग फॉर द न्यू बिगिनिंग, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ जाए, जहाँ आपको भी थोड़ा रिलैक्स मिले, पीस मिले। आप जजमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको जजमेंट चाहिए। आपको ना एक ये भी क्यूरियोसिटी है कि पता नहीं कुछ भी हो लाइफ में, प्यार मिलना है, सक्सेस मिलनी है या नहीं, एटलीस्ट ये तो पता चले कि लाइफ में एक आइडिया चाहिए आपको। जैसे सपोज दैट बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि बस इतना पता लग जाए कि शादी नसीब में लिखी है या नहीं लिखी है। अगर नहीं लिखी है तो वो अपनी स्टोरी को अलग तरीके से प्लान करेंगे, लिखी है तो फिर वो उस तरीके से हार्डवर्क करेंगे। कुछ इस तरह के जजमेंट को आपकी ज़रूरत है, मतलब आपको चाहिए कि जजमेंट आपको मिल जाए कि आपकी लाइफ में अब क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी चीज़ें आपने गो थ्रू कर ली है, बहुत स्ट्रगल भी देख लिया है, तो अब आपको एक कंक्लूजन चाहिए जिसके बिहाफ पर आप अपनी आगे की ज़िंदगी को इमेजिन कर सकें। कुछ इस तरह की भी मैं आपकी सिचुएशन देख रही हूँ। हाय प्रिस्टिस, देखो इस जर्नी ने आपको काफ़ी इंट्यूटिव बना दिया है, काफ़ी ज़्यादा आप एक मैच्योर और बैलेंस्ड पर्सन बने हो, बहुत चीज़ें आपने लाइफ में सीखी है, बहुत पेशेंस रखना सीखा है, अपने गुस्से पे कंट्रोल किया आपने, काफ़ी लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया, बट स्टिल आप ना अभी अकेले दिख रहे हो, एक तूफान में चल रहे हो, बहुत सारे ऑब्स्टिकल हार्डशिप्स फेस कर रहे हो। इवन कभी कभी ऐसे सिचुएशन भी आती है जब आपको काफ़ी रोना भी आ जाता होगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अकेला भी फील करते हो, लेकिन ये आपकी स्टोरी का पार्ट है। इट्स ओके, आपको जजमेंट मिलेगा, ये आपकी थिंकिंग भी है कि आपको मिल जाए जजमेंट, आप इसके लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, मिलेगी। अब अभी मैं ये कुछ आपकी स्टोरी है गाइस, अब देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, इस कनेक्शन से रिगार्डिंग आपके लिए आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे आगे चलकर। ठीक है, ये देख लेते हैं आप। थ्री ऑफ कप्स, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, एज वेल एज थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाता है ये, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे अभी और कार्ड देखने पड़ेंगे। सेवन ऑफ व्हील्स, कि लव लाइफ में हमेशा वेट क्यों आता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे और कार्ड्स चाहिए होंगे पर मैं पहले इनको डिस्क्राइब कर देती हूँ। देखिए, हो सकता है आपके पार्टनर अभी राइट नाउ थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो किसी ना किसी के साथ डील कर रहे हैं, आपके साथ डिस्कनेक्ट हैं अभी, आपके साथ टेलीपैथिक भी हो सकता है कि कोई कांटेक्ट नहीं है अभी, और इसीलिए आप ये फील कर रहे हो कि आप बारिश हो रही है, तूफान में आप अकेले चल रहे हो, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको संभालने के लिए कोई नहीं है,
ठीक है, आप इसी तरीके से फील कर रहे हो राइट नाउ, और आपके पार्टनर मुझे लग भी रहा है कि अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी यहाँ आ भी गई है, ठीक है, आपके पार्टनर भी यहाँ आ गए हैं, लेकिन आपके पार्टनर, देखो थर्ड पार्टी बहुत क्लेवर है, आपके पार्टनर इमोशनल हैं, और मुझे जो दिख रहा है अभी थर्ड पार्टी के साथ जो भी कनेक्शन है वहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज बन रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्लियर है कि आपके पार्टनर खुश नहीं हैं, और ये थर्ड पार्टी के साथ इसकी लाइफ स्मूथ जा भी नहीं रही है, और ये अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या तो ब्रेकअप चाहिए इस पर्सन को, क्योंकि जब जिसके साथ ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं तो ये क्यों इतने पागल तो है नहीं है कि उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इट्स ओके भाई, अभी यहाँ पर वेट आ गया है आपकी लव लाइफ में, मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन के लिए, कि कनेक्शन के फेवर में कोई एक्शन आ रहा है, पर एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर आई है, वो है कि थर्ड पार्टी या कोई कार्मिक अकाउंट जो चल रहा है वो शायद से ख़त्म हो जाएगा, एक और कार्मिक अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। गाइस देखिए, आप ना अपने पार्टनर को जज ना कीजिए, क्योंकि देखो कार्मिक तो पर्सन आपके पास भी आ रहे होंगे, आप भी कहीं ना कहीं जाते हो, लोगों को आपको देखकर अट्रैक्शन फील होता होगा, वो आपके पास फ्रेंडशिप के लिए आ रहे हैं, बात करने के लिए आ रहे हैं, आपको भी उनकी इंटेंशन समझ में आती होगी कि वो किस इंटेंशन से आ रहे हैं, वो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं इसीलिए आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर गाइज मैं आपको बताऊंगी वो आपके लिए थर्ड पार्टीज हैं। अब वो अलग बात है कि आप उनको एंट्री दे ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप किसी के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर कर रहे हो, आप उन्हें क्लियर कट आंसर दे देते हो, आपके पार्टनर हो सकता है कि थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये पर्सन तो सर्च कर रहा है, इसको वो पर्सन चाहिए जिस जिसके साथ रहकर इसको पीस मिले, आपके साथ इसको पीस मिला था लेकिन ये क्यों नहीं रह पाया आपके साथ, क्योंकि इसकी लाइफ में उस टाइम पे काफी स्ट्रगल था, ये बैलेंस नहीं थे, ये स्टेबल नहीं थे, दूसरी चीजों ने इसके लव लाइफ पर जो आपके साथ थी, ठीक है, वहां पर इसने जजमेंट ले ली, और इसको लगा कि जब मैं ही अभी बैलेंस नहीं हूं तो मैं सामने वाले को क्या खुश रखूंगा, और ये लव लव लाइफ बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी, कुछ इस तरह से इसने अपनी थिंकिंग बना ली। और दूसरी बात ये भी है, उस टाइम पर इतना इंटेंस लव जिस इंसान ने कभी देखा ही ना हो तो वो बिलीव कैसे करेगा, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हुई है, इस पर्सन की नहीं हुई है, ये अभी भी 3D वर्ल्ड में ही है। हाँ वो बात अलग है कि अब थोड़ा टाइम, इतना टाइम हो गया है तो अब शायद धीरे धीरे इसको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको भूल नहीं पा रहे ना, बात सारी ये है, तभी तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज बन गए, क्योंकि जो चीज़ इसने आप में देखी है वो दूसरों में नहीं मिल रही है, और फिर ये पर्सन है भी काफ़ी क्लेवर, ठीक है, तो आप दोनों ही अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर कर रहे हो, तो इस केस में आप दोनों को एक दूसरे पे कोई डाउट नहीं रखना चाहिए, कोई शक नहीं करना चाहिए, वो अभी अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपने अकाउंट्स, अपने कार्मिक अकाउंट्स या अपने स्ट्रगल, अपना बिजनेस, अपनी जॉब के साथ डील कर रहे हैं, आप अपने स्टफ के साथ डील कर रहे हो, सो अभी आप दोनों अपने अपने काम में बिजी हो, ठीक है, तो यहाँ पर, और ये भी नहीं है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, आप उन्होंने खुद आपसे बात करने के लिए मना कर दिया, लाइफ में आगे बढ़ गए, ठीक है, वो बात अलग है कि आज भी आप दोनों में अटैचमेंट है, तो यहाँ पर ना तो कोई धोखा है ना ही कोई फ्रॉड है, ठीक है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपके पास आएगा, आप दोनों पॉजिटिव माइंड के साथ अगर काम करते रहोगे तो डिवाइन आपको जजमेंट क्यों नहीं देंगे, आपको इतना भी नहीं अटकाएंगे, वो आपको डेफिनेटली जजमेंट मिलेगी, डिवाइन हर किसी के साथ फेयर करते हैं, जस्टिस देंगे आपको, सो डोंट वरी, पैनिक ना होइए, ये स्ट्रगल है, ये टफ टाइम है जो आपको एक बेटर वर्जन में मोल्ड कर देगा, और यही चीज़ तो आपके सोल एक्सपेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना सोचकर आप लोग आगे बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में, सब अच्छा होगा गाइस, जजमेंट आएगा आपके पास। और कुछ देख लेती हूँ मैं, कुछ समझ में आता है तो यहाँ पे शैडो, देखो ये पर्सन ना खुद को ही पहचानने की कोशिश करेंगे, यही है इसका नेक्स्ट एक्शन, सॉरी, क्योंकि ये पर्सन अभी अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल देख रहे हैं, काफी ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो उसके हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, देखो उसका दिल टूटने वाला है, ये थर्ड पार्टी कोई अच्छी नहीं है इसके, इस पर्सन के लिए, इसका दिल टूटने वाला है, ये अपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ये पर्सन अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा अपने आप को डीप वे में पहचानने की कोशिश करेंगे। सॉरी गाइज, ये आवाज ना अलार्म की थी। ओके, अभी और कार्ड्स देख लेते हैं,
या फुलफिलमेंट ऑफ विशेज, देन ये अपनी विशेज पर, जो कि इसकी सबसे बड़ी खुशी एक आप भी हैं, ठीक है, तब ये उसके बारे में सोचेंगे और अपने हार्ट चक्रा पर वर्क करेंगे। इसका मतलब क्या दिख रहा है, ये शेडो कार्ड हीलिंग का कार्ड है, ठीक है, ये हीलिंग का कार्ड है। अब देखो बाद के कार्ड्स कितने अच्छे आए हैं, ये बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड्स आए हैं और ये बहुत ही फेवर में कार्ड्स हैं, लेकिन ये एक्शन होने में टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये शेडो कार्ड मुझे इनर वर्क दिखा रहा है। ये जब इसको हार्ट पेन होगा, हार्ट लॉस होगा, ये डेफिनेटली अपना इनर वर्क करेंगे, अपने हार्ट चक्रा पे काम करेंगे, अपने क्राउन चक्रा पर काम करेंगे, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि इसको समझ में आ जाएगा कि इसका अगर यूनियन किसी के साथ पॉसिबल है तो वो आपके साथ है। गॉट इट? तो ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो नेक्स्ट एक्शन में अभी आपके पार्टनर के साथ काफी चीजें होने वाली है जो यहाँ दिख भी रही है, थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप, देन हार्ट लॉस, देन हीलिंग करनी है, चेंज लाना है, बहुत सारे चाक्रास को बैलेंस करना है, कुछ इस तरह का पूरा प्रोसेस दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर की तरफ से। डोंट वरी, फिर भी मैं इसकी सोल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है मैं ये पता लगाने की कोशिश करूंगी आपके लिए। ओ माय गॉड, दे दिए इन्होंने मैसेज, पढ़ते हैं इन्हें। लाइफ इज अ लॉट मोर फन वेन यू आर अराउंड। देखो ऐसा ही फील करते हैं जब आप इसके आसपास हो तो इसकी लाइफ अच्छी है। You are the most beautiful person I have ever seen. तो आप जैसा तो beautiful person भी नहीं देखा इसने। Distance only separates our bodies but never our hearts. I'm jealous of people who get to see you every day. Okay. I'm coming back. Please be patient. Okay. I hope you are happy. I want to tell you that I'll share all your worries. Wipe your tears. Take care of your heart and I love you all of my life. Yes, पूरी जिंदगी प्यार करेंगे आपसे। I'm working hard and building a future for us. तो ये बहुत हार्ड वर्क करेंगे और एक फ्यूचर बनाने की कोशिश करेंगे और ये कर भी रहे हैं अभी भी, ठीक है। सो गाइज, दिस इज योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।